राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फूड खजाना पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है चिकन की रेसिपी, जो कि है चिकन फ्राई। उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच लेंगे बेसन, और उसमें हम डालेंगे सूखा धनिया कूटकर, और थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, वो भी 1-1 चम्मच डाल देंगे, और साथ में डालेंगे हम 1 चम्मच छोटा हल्दी, और साथ में 1 चुटकी भर हम डालेंगे फूड कलर, और साथ में डालेंगे कुटी हुई मिर्च, और 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे मैदा और चावल के आटा। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर से ये क्रिस्पी हो जाएगा। उसको डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार, और इन सारी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे पानी का जूस। हम धीरे धीरे करके इस बैटर को गाढ़ा करने के लिए करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, ना तो ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला, क्योंकि हम जो आज डिश बनाने जा रहे हैं उसके लिए बैटर का बिल्कुल बराबर होना बहुत ज़रूरी है। गाढ़ा होगा तो भी हमारी डिश अच्छी नहीं बनेगी, और अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी हमारी डिश अच्छी नहीं बनेगी। देखिए, जिस तरह से मैंने धीरे धीरे करके इसमें पानी डाला है, आप देख रहे होंगे, ना तो हमारा बैटर ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला है। इस तरह का बैटर बनाने के बाद हम इसमें डालेंगे धुले हुए चिकन के पीसेस। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हमने चिकन को जो है इसमें अच्छे से डिप कर लेना है, मतलब ये जो मसाला है वो चिकन में अच्छे से लिपट जाना चाहिए। अगर आप चाट मसाला नहीं यूज़ करना चाहते तो आप 1/2 चम्मच नींबू का भी इसमें डाल के यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ही मसाला लिपट जाएगा अच्छी तरह से, तो हम एक तरफ रख देंगे कढ़ाई। कढ़ाई मैंने पहले से रखी हुई थी, और तेल मैंने बिल्कुल गर्म करके रखा हुआ है। आपने बिल्कुल तेज आँच पर ही इसको बनाना है। तो जो तेल है हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, धुआँ निकल रहा है। आपने एक एक करके इसमें चिकन की पीस डालने शुरू कर देने हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, अगर आप चिकन नहीं खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो आप इसकी जगह पर पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा हमें बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा रखना पड़ेगा। चिकन के लिए हम थोड़ा सा पतला रखते हैं, लेकिन अगर आपने पनीर के पीसेस इसमें डालने हैं तो आपको थोड़ा सा बैटर गाढ़ा रखना पड़ेगा। लेकिन बनाने का सेम यही तरीका रहेगा जैसे कि मैं बना रही हूँ। अब धीरे धीरे करके आपने पीसेस डालने हैं, लेकिन एकदम से इनको हिलाना नहीं है। जैसे ही एक साइड से ये गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तो आपने इनको पलट लेना है। जैसे ही आप पलटेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ही गोल्डन कलर और सुनहरी कलर इनका आ गया है। कलर बहुत ही सुंदर आता है, और बाकी जो बचे पीसीज हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, और फिर हम इसको चटनी के साथ परोसेंगे और मज़ा करेंगे। अगर आप इसी तरह से हमारी और रेसिपीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।